Hello students, I am your science faculty at JR and as you know, we are doing a video series for the students who is in class 8th. That means हम लोग class 8th के students के लिए एक video series start की है जिसमें हम लोग class 8th के students को especially physics और chemistry के video tutorials provide करते हैं और ये सारे chapters Pearson के book को follow करती है और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं JR गुरुकुला जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि ये क्या है ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं उसके अलावा सारे चैप्टर्स के नोट्स काफ़ी अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस जिन्हें हम लोग DPP बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि NTSC या फिर ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये DPP काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी तरह से हमारी फैकल्टी ने डिज़ाइन की है और कॉम्पिटिटिव लेवल पे जितनी तरह के भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में डिज़ाइन किया गया है हमारी फैकल्टीज सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से डील करती है और सारे चैप्टर्स के सब टॉपिक को भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती है उसके अलावा NCERT के बुक के रेफरेंस पे NCERT के बुलेट पॉइंट्स होते हैं हमारी टीम वो आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराती है और उसके अलावा जब आप हमारी साइट jrworld.in पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर रेगुलर क्वेजेस होती रहती हैं आप चाहें तो उन क्वेजेस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और अपने आप को इनरोल करने के बाद जब आप इन क्वेजेस को अच्छी तरह से प्ले कर लोगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस काफ़ी लेस इंटरवल ऑफ टाइम में हो जाएंगे तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को काफ़ी अच्छी तरह से समझ रखा है ये दोनों मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मेरे दो लेक्चर्स YouTube पे अवेलेबल हैं आप चाहें तो YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं और उसके बाद मैंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन के एक सेपरेट लेक्चर लिए थे जिसमें मैंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन और प्रोटोन की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझा रखा है तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल थॉमसन का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी इस साइंटिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना था और हम लोग फिर फर्दर इनके एटॉमिक मॉडल को भी पढ़ेंगे और ये एटॉमिक मॉडल काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो हम लोग इसको एक सेपरेट स्लाइड्स में देखेंगे ऐसा नहीं कि हम लोग बस एक छोटे से व्यू को देख कर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग इसको काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे क्योंकि आपके आगे के क्लासेस में आपको इसको फिर से पढ़ाया जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्लास 9th हो या 10th हो या फिर 11th हो आपको हर बार ये टॉपिक दिया जाता है बुक में इसी के साथ एक और टॉपिक जैसा कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको भी पढ़ाऊंगी यहाँ पर रदरफोर्ड एक न्यू साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं तो आप लोग इनके बारे में अभी तक इस चैप्टर में नहीं सुन रखे होंगे पर फिर भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत इनके बारे में सुन रखा होगा क्योंकि इनका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा और फर्दर एटॉमिक मॉडल में इन्होंने काफ़ी सारे करेक्शंस किए थे तो इसीलिए हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट्स को भी पढ़ते हैं और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने क्या मॉडल आगे हम लोग को दिया उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और इसी टॉपिक में ये काफ़ी एक बड़ा सा टॉपिक है और इसी में हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जब हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को देखते हैं लेट्स से मैं यहाँ पे एक एटम बना देती हूँ तो ये एक एटम है और मैं इसका मॉडर्न मॉडल बना रही हूँ ये बीच में एक न्यूक्लियस है और इसके आसपास जितने भी हैं वो सारे सेल हैं ये सारे सेल हैं तो एटम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और एक इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ये सारे आ जाते हैं जितने भी सेल होते हैं जिसमें भी हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं जब आप फर्दर स्टडी करोगे तो हम लोग इन दोनों पार्ट को बिल्कुल सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे जैसे कि मैं एक यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स्ट्रा और इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स जैसे कि आपको नाम पढ़ के पता चल रहा होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के जितने भी उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस के बाहर जितने भी सेल हैं और उन सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स हो गए एक एटम को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट तो हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को भी अच्छी तरह से ऊपर के क्लासेस में स्टडी करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन का पोजिशन क्या है और इसी में हम लोग जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का हो गया अभी आप लोग बहुत छोटे हैं तो आप लोग क्वांटम नंबर को नहीं समझते हैं तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे रहने देती हूँ बट आपको फिर भी थोड़े से समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको बता रही हूँ कि जैसे कि अगर यहाँ पे इस सेल में एटम है तो
तो वो किस सेल में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो तीन तीन सेल है, तो आपको कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन किस वाले सेल में होगा। उसके अलावा एटम किस तरह से होगा, किस सब सेल में होगा, इस सेल के अंदर सब सेल होता है, मतलब अगर ये एक सेल है, मैं यहाँ पे एक सेल बना देती हूँ, तो इस सेल में ही छोटे छोटे सब सेल्स होते हैं, तो वो किस सब सेल में होगा और उसका मोशन क्या होगा, उसका पोजिशन क्या होगा, तो इन सारी चीज़ के, दैट मीन्स हम लोग एक एटम में एक सेल और इलेक्ट्रॉन के पोजिशन के स्टडी करते हैं, तो हम लोग इस पार्ट को, पूरे के पूरे पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में पढ़ते हैं। और उसके अलावा इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी है, जैसे कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन, अगर हम लोग इस चीज़ के स्टडी करेंगे कभी, तो हम लोग इस पार्ट को इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलेंगे। जैसे कि जितने भी न्यूक्लियर फीजन फ्यूज़न, ये सारी चीज़ हम लोग जब पढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की चीज़ें, या फिर एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें, मतलब हम लोग जितने भी इस न्यूक्लियस से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं, तो ये सारे इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आते हैं। मतलब ऐसा पार्ट जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो, इंट्रा हो, और उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होते हैं, उसमें हम लोग बस सेल और इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का जब डिस्कवर किया था, तो ये काफ़ी न्यू तरह का कॉन्सेप्ट था हमारे लिए। हम लोग कभी भी न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इवन हम लोग एटम के भी मॉडल को पूरी तरह से करेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो थॉमसन थे उनके मॉडल को हम लोग एक्सेप्ट कर चुके थे, पर काफ़ी जल्दी, जैसे कि थॉमसन मॉडल 1903 में आया, और उसी के जस्ट 2 ईयर बाद रदरफोर्ड भी अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने लगे, कैरी आउट करने लगे 1905 से, और उन्होंने ऑलमोस्ट 6 ईयर तक अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट किया, और 1911 में जे जे थॉमसन ने हम लोग को एक एटॉमिक मॉडल दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फर्दर के क्लास में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे जितनी भी टॉपिक्स लिखी हुई थी, जो भी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, उसको मैंने समझा दी है, तो हम लोग इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सो जे जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज एटॉमिक मॉडल इन 1903। ये डेट है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा, ये 20th सेंचुरी का अर्लियर था, अर्ली 20th सेंचुरी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होगा आपके लिए याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी रीसेंट डेट है। जैसे कि अगर आपको 2000 का कोई भी, जैसे 2001 में कोई भी चीज़ हुई, या 2002 में कोई भी चीज़ हुई, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहती है, क्योंकि ये 21st सेंचुरी के अर्लियर में हुई थी, और आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुद को रिलेट कर पाएंगे। तो ये भी डेट काफ़ी ज़्यादा रीसेंट है, तो मुझे आशा है कि आप भी इस डेट को याद रखेंगे। तो जे जे थॉमसन ने क्या एक एटम का मॉडल दिया, जैसे कि आपको पता है कि जे जे थॉमसन ने पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और उसके बाद जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दैट मीन्स एक एटम को न्यूट्रल रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो इसी को देखते हुए जे जे थॉमसन ने एक स्फीयर बनाया, और उसमें कुछ छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स रिप्रेजेंट कर दिए, और वो सारे ब्लैक डॉट्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि आपको मैंने इस मॉडल में दिखा रखा है कि एक उन्होंने एक स्फीयर लिया, ये एक स्फीयर है, और उन्होंने इस स्फीयर के बाद ये छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पर दिखा रखे हैं, और ये छोटे छोटे डॉट्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितना भी ये व्हाइट वाला पार्ट है, ये जितने भी व्हाइट का जो पार्ट रिमेन है, बचा हुआ है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है, दैट मीन्स एक पॉजिटिव स्फेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये पूरा स्फेयर आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि एक पॉजिटिव स्फेयर है, और इसके अलावा ऊपर से नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को एम्बेड किया हुआ है, मतलब कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर रख दिया गया है, ऐसे धसा दिया गया है। तो इसी तरह का कुछ उनका मॉडल था, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहा। 20th सेंचुरी में किसी ने पहली बार एटॉमिक मॉडल दिया था। हम लोगों के पास तो एटम से रिलेटेड कोई डाटा नहीं था, पर एटम के पार्टिकल्स के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट काफ़ी दिन से स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसके बाद हम लोगों के भी मन में ये क्वेरी आ गई कि जब इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स खुद में किस तरह से अरेंज थे। तो इसी को देखते हुए जे जे थॉमसन ने एक अपना एक मॉडल दिया, और हम लोग इस मॉडल को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किए इसको जानने में। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एटम कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनसाइड अ स्फीयर, एक स्फीयर लिया, और उस स्फीयर में जो मास था, पॉजिटिवली मास, वो पूरे स्फीयर में स्प्रेड था, और उसके ऊपर
जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं वो एम्बेडेड थे। उसके बाद थिनली स्प्रेड मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द स्फीयर, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो स्फीयर था उसमें पॉजिटिवली जो मास था जिसको हम लोग पॉजिटिवली मास बोल रहे हैं वो दैट मीन्स प्रोटोन है, मतलब प्रोटोन पूरे स्फीयर में स्प्रेड था और इसी को हम लोग इस स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस मॉडल वॉज कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और एन एप्पल पाई मॉडल। अगर आप एक तारबूज को लेते हो और उसको बिल्कुल बीच से काट देते हो तो आपको एक इस तरह का दिखेगा, एक पार्ट दिखेगा जिसमें सब कुछ बिल्कुल रेड 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 होगा और उसके ऊपर ब्लैक कलर के जो सीड्स उसके होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, वो धंसे हुए होते हैं। तो उसी तरह का मॉडल होने के कारण हम लोग इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। उसके अलावा प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे कि अगर आप खीर बनाते हो कोई भी डिश हो तो आप उसको डेकोरेट करने के लिए जैसे कि कोई खजूर या फिर काजू या फिर कोई भी डेकोरेटिव थिंग्स उसके ऊपर एम्बेड करते हो, तो इसी तरह से एक पुडिंग के ऊपर जब प्लम जैसे चीज़ों को लगाया गया था तो ये मॉडल भी रिजेंबल कर रहा था जैसे कि एक पुडिंग हो, एक खीर जैसा कुछ सब्सटेंस हो और उसके ऊपर पाम से डेकोरेट किया गया हो, तो इसीलिए हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोलते हैं। और उसके अलावा इस मॉडल का तीसरा नाम एप्पल पाई मॉडल भी था। तो आपको इतना सारा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइडली फेमस वाटरमेलन मॉडल है, तो आप इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी आपको अपने माइंड में रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के थ्रू जे जे थॉम्सन एटम की न्यूट्रलिटी को शो कर रहे थे। जैसा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए जे जे थॉम्सन ने अपना यह स्टेटमेंट दिया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो भी था स्फीयर पे वो इक्वल था टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इस मॉडल को आपको देख के बोला जाए कि इसके ऊपर जितने भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज हैं वो इक्वल हैं, दैट मीन्स जितना कि इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटोन है, तो इससे अगर कोई सिक्स क्लास का भी बच्चा हो तो वो भी बता सकता है कि ये एटम न्यूट्रल है। तो जे जे थॉम्सन के अकॉर्डिंग एटम को न्यूट्रल प्रूफ कर दिया गया था। जे जे थॉम्सन ने अपने इस स्टेटमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दिया कि एटम न्यूट्रल होता है, पर उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को नहीं आंसर कर पाया। अगर आपको इस मॉडल को देख के पूछा जाए कि एक एटम स्टेबल क्यों है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जे जे थॉम्सन भी कर पाने में सक्सेसफुल नहीं रहे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण ये मॉडल फर्दर एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो हम लोग अब इस मॉडल के ड्रॉबैक्स को भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। सो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर सेल्ड फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विदाउट गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड। तो यहाँ पर हमारे न्यू साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये काफ़ी ज़्यादा रिच थे, ऐसा कहा जाता है कि इनकी खुद की रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कंपनी थी, दैट मीन्स ये ऐसा कहा जाता है कि इनकी खुद की कंपनी थी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर रिसर्च करती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो कि कंटिन्यूस अल्फा गामा बीटा रेज को इमिट करते रहते हैं, जो रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि रेडिएशन को इमिट करते हैं उन्हें हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो इनकी जो कंपनी थी वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर रिसर्च करती थी और ये काफ़ी ज़्यादा वेल्दी टाइप के भी साइंटिस्ट थे, तो इनके लिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी ज़्यादा इजी रहा। तो आफ्टर जे जे थॉम्सन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड कैरी आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 1905 टू 1911 टू टेस्ट द करेक्शन ऑफ थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। तो जे जे थॉम्सन के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अब हम लोग उन सारे चीज़ों को भी देखते हैं। सो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इसके लिए अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो पहले आप उसका कोई सेटअप करोगे, जैसे कि क्या सिस्टम होने वाला है। जैसे कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हो लिटमस पेपर का, तो उसके लिए आपके पास पहले लिटमस पेपर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास वो सब्सटेंस होना चाहिए जिसको आप टेस्ट करोगे कि वेदर इट इज एसिड और अ बेस। तो इसीलिए ये एक तरह का आप सेटअप अरेंज करोगे, तो इसी तरह से रदरफोर्ड ने भी अपना सेटअप अरेंज किया। उन्होंने पहले गोल्ड फॉइल ली और एक थिन गोल्ड फॉइल ली, जैसे कि आपको भी पता है गोल्ड हाईली मेलिएबल होता है। अब मेलिएबल जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर काफ़ी ज़्यादा मेलिएबल है, जैसे कि
अगर आपको यहाँ पे मैं कोई भी मेटल दे दूँ, आयरन, तो आयरन भी मेलिएबल है। आप इसको एक पतली चादर में बना सकते हो, जब आप इसको पीटोगे तो ये टूटेगी नहीं और ये फ्लैट होते जाएगी। दैट मीन्स कि आप इसको एक पतली सी चादर में कन्वर्ट कर पाओगे। तो इसी तरह से इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल है और सबसे ज़्यादा डक्टाइल भी है। उसके अलावा उन्होंने अल्फा सोर्स लिया, मतलब कि एक ऐसा सोर्स लिया जो कि अल्फा पार्टिकल्स को कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहे थे। जैसे कि जितने भी आप अगर पीरियोडिक टेबल को देखे होंगे, तो जितने भी नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव होते हैं, और वो कंटिन्यूअसली अल्फा रे या गामा रे या बीटा रे रेडिएट करते रहते हैं। आप यहाँ पर बस एक ये समझ लीजिए कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ऐसा एलिमेंट लिया जैसे कि फ्रांसियम एक मेटल है, ये भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये भी कंटिन्यूअसली रेडिएशन करते रहता है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग लेड जैसे कंटेनर में रखते हैं। अगर कोई भी कंटेनर लेड का बना हुआ हो, तो हम लोग उस सब्सटेंस में उसको रखते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट मैडम क्यूरी, उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर रिसर्च भी किया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिली थी। अगर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं साइंस में, तो आप इस चीज़ को इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ भी सकते हैं। जैसे भी मैं छोटे छोटे डाटा आपको शेयर करती हूँ, तो आप उन डाटा को नेट पर सर्च करते जाएं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स से। जैसे कि अगर आप एक साइट पे गए और उस पे आपको एक आर्टिकल मिला जो कि बेस्ड था मैडम क्यूरी के लाइफ पे, तो डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करोगे और आपका इंटरेस्ट भी इसी तरह से साइंस में डेवलप होगा। जैसे कि मैं इस चैप्टर में अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दूँ, जैसे कि मैंने आर ए मिलिकन्स का आपको एक्सपेरिमेंट बताया और उसके अलावा मैंने पिछले स्लाइड में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में बताया, तो ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पर फिर भी अगर आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जैसा कि आप पियर्सन के बुक को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स मुझे मालूम है कि आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी साइंस में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें और हमारी टीम भी आपके लिए पूरी कोशिश करेगी कि आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट सेटअप था, एक स्फेरिकल स्क्रीन लिया जो कि जिंक सल्फाइड का था। जिंक सल्फाइड आपको तो पता ही है, एक फ्लोरोसेंस मटेरियल है, तो ये भी एक लिया गया, एक स्क्रीन ली गई, एक स्फेरिकल स्क्रीन ली गई। लेट से ये एक स्फेयर है और इसी की एक स्क्रीन ली गई और इसके स्क्रीन पे जिंक सल्फेट लगा दिया गया, सो दैट अगर यहाँ पे कोई भी रे स्ट्राइक हो तो हम लोग को पता चले। उसके बाद उनका फोर्थ सेटअप था, उन्होंने पेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स लिए। ये टर्म आपको अभी यहाँ पे मैं समझा नहीं सकती, क्योंकि जब मैं आपको पूरा डायग्राम दिखाऊंगी तब आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि ये पैरेलल प्लेट्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे वो क्यों लिए गए। तो ये सारे सेटअप आप याद रखिएगा कि उन्होंने एक थिन फॉइल ली जो कि गोल्ड की बनी हुई थी और गोल्ड को ही क्यों चुना गया, ये सारा क्वेश्चंस आता है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रदरफोर्ड अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड को ही क्यों चुना, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मेलिएबल होता है। जितने भी मेटल्स अभी तक के नोन है, उसमें सारे में गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मेलिएबल कंसिडर हुआ है। गोल्ड ही सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल भी है। अगर डक्टिलिटी की बात की जाए, तो अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, तो आप इससे ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक की वायर को बना सकते हो। आप ऑलमोस्ट इतना लंबा वायर बना सकते हो। तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए कि गोल्ड ही क्यों लिया गया था, तो आपका आंसर मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। उसके बाद सेकंड उन्होंने अल्फा सोर्स लिया, दैट मीन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। देन द थर्ड वन इज अ स्फेरिकल स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड। उन्होंने एक स्क्रीन लिया जिसके सरफेस पे उन्होंने जिंक सल्फाइड लगा दिया, और जिंक सल्फाइड ही इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि जिंक सल्फाइड काफ़ी अच्छा फ्लोरोसेंट मटेरियल है। उसके बाद अ पेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ये जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करूंगी तो बता दूंगी। सो यहाँ पर आप एक छोटा सा बॉक्स में देख रहे होंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जब मैं आपको पीछे टॉपिक समझा रही थी, तो मैं बोल रही थी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं इसको काफ़ी सेपरेटली पढ़ाऊंगी, तो हाँ आप सही भी सोच रहे थे, पर मैं यहाँ पे एक छोटे से नोट्स के साथ शुरू करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर रदरफोर्ड, आपको नाम ऑलरेडी मैंने पिछले स्लाइड में बता रखा है, इन 1911 गेव द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, दैट इज नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसी के बेस पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस।
मतलब कि हम लोग के पास उनसे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था कि कोई न्यूक्लियस जैसी चीज़ भी एक एटम में होती है। एक एटम में कोई न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट करता है, पर एक कॉन्सेप्ट जो न्यूक्लियस से रिलेटेड था वो रदरफोर्ड की वजह से ही 1911 में इंट्रोड्यूस हुए, तो इसीलिए इसका सारा क्रेडिट उन्हें जाता है और उन्होंने सच में काफ़ी ज़्यादा इस पर स्टडी भी की और फिर हम लोगों को ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। सो सारे सेटअप को समझने के बाद और सारी चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं, जैसे कि गोल्ड फॉइल क्यों ली गई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, इस तरह की चीज़ें, तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि आखिर एक्सपेरिमेंट्स क्या था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया गया, यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स है। उसके अलावा यहाँ पर एक लिड का कंटेनर है। मैं एक काम करती हूँ, मैं कलर यहाँ पर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई दे। सो इस लेड के कंटेनर में यहाँ पर एक छोटा सा होल बनाया गया है जिसको हम लोग परफोरेशन बोल रहे हैं। हम लोग परफोरेशन वर्ड का यूज़ पिछले क्लासेस से ही कर रहे हैं, तो आप लोग इस वर्ड से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक होल किया। इस लेड के कंटेनर में ही हम लोग क्यों अल्फा पार्टिकल को रख रहे थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंटिन्यूअसली रेडिएशन से इमिट करते रहते हैं। जो अगर आप इनको सनलाइट में भी छोड़ दोगे तो ये कंटिन्यूअसली रेडिएशन से इमिट करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसीलिए हम लोग इसके लेड के कंटेनर में रखते हैं। और हम लोग इस कंटेनर में होल इसलिए किए थे ताकि यहाँ पर से अल्फा पार्टिकल का एक बीम निकले। उसके अलावा एक थीन गोल्ड फॉइल यहाँ पे लगाई हुई है, ये आपको शायद दिख नहीं रही होगी, पर यहाँ पर एक थीन गोल्ड फॉइल है और ये सारे डायरेक्शंस दिखाए गए हैं अल्फा पार्टिकल्स के। और ये जिंक सल्फेट की स्क्रीन है, यहाँ पर आप ब्राइट स्पॉट देख सकते हैं। जितनी जगह भी अल्फा रे के बीम पड़े थे वहाँ पर ब्राइट स्पॉट क्रिएट हुआ था। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट के थ्रू समझ लेते हैं। रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अ थीन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स। द फॉयल वॉज सराउंडेड विद अ स्फेरिकल स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड। द अल्फा पार्टिकल्स वेयर कंडेंस्ड टू अ नैरो बीम बाई पासिंग देम थ्रू अ पेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट था उसको क्यों लगाया गया था। मैं पहले यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को अच्छी तरह से आपको समझा देती हूँ कि अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है। कई बार अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग सेंटर ऑफ द हीलियम भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ द हीलियम। आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसका मास नंबर 4 होता है, तो यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर मास नंबर को। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा, इसका प्रोटॉन भी होगा 2 और इसका न्यूट्रॉन भी होगा 2। तो अगर मैं इस प्रोटॉन को एनर्जी देकर इस एटम से बाहर निकाल दूँ तो ये एक ऐसा पार्टिकल बन जाएगा जिसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा और 4 यूनिट मास होगा। दैट मीन्स ये एक ऐसा पार्टिकल बन जाएगा जो कि जिसका मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट मास और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और जब लैब में स्टडी किया था मैडम क्यूरी ने इस पार्टिकल के बारे में, तब उन्होंने देखा था कि जो अल्फा के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका 4 यूनिट मास होता है और वो अपने साथ 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स जा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो एक पॉजिटिव नेचर को पसेस करता है और उसका एक मास जो है वो भी फिक्स है, उसका मास 4 यूनिट है। यहाँ पर आपको 4 यूनिट मास, 2 यूनिट मास या फिर कोई भी मास, 1 यूनिट मास, ये सब समझ नहीं आ रहा होगा। हम लोग आगे के क्लासेस में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर करके एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगी कि मैं यहाँ पर 4 यूनिट मास क्यों लिख रही हूँ और ये 4 यूनिट मास होता क्या है। तो आप बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं 1 kg या फिर 1 ग्राम, उसी तरह से जब हम लोग एटम की बात करते हैं तो वहाँ पर जितने भी एटम होते हैं उसके मास हम लोग यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 4 यूनिट मास, 5 यूनिट मास, इस तरह से। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसका सेकेंड नाम सेंटर ऑफ द हीलियम हो गया और वो अपने साथ 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट मास कैरी करता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है, मैं चाहती हूँ आप इसको माइंड में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी काम आएगी। तो हम लोग अब इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। रदरफोर्ड ने पहले बम्बार्ड किया थीन गोल्ड फॉइल पे। यहाँ पर एक थीन गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल की लेंथ ऑलमोस्ट 0.001 mm थी, मतलब इतनी पतली एक गोल्ड फॉइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किया।
तो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, ये सारे चीज़ को क्लियर कर देती हूँ और एक आपको क्लियर डायग्राम बना देती हूँ गोल्ड फॉइल का, कि उस टाइम गोल्ड फॉइल कैसा दिख रहा था। तो यहाँ पर ये एक गोल्ड फॉइल है और यहाँ पर एक अल्फा सोर्स है। तो यहाँ पर से अल्फा के पार्टिकल्स एमिट करना स्टार्ट कर दिए और अल्फा के पार्टिकल्स एमिट करके इस तरह से गोल्ड फॉइल से पास होने लगे। मैं एक क्लियर सा डायग्राम तो नहीं पर एक डायग्राम बना देती हूँ। ये इस तरह का कुछ डायग्राम हुआ, कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गए, ये एक स्फीयर था और उससे स्ट्रेट पास हो गए, और जबकि कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट हुए और जबकि कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हुए, ये सारे लार्ज एंगल से डेविएट हुए। जबकि एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पे जाकर स्ट्राइक किया और वहाँ से रीबाउंस हो गया, मतलब कि रीबैक अपने पाथ को वो रिट्रेस कर गया, वो जिस पाथ से आया था उसी पाथ पे चला गया। दैट मीन्स कि ये सेंटर पे जब टकराया तो ये पार्टिकल अपने पाथ पे वापस मुड़ गया, इधर से ही आया और इधर को ही वापस चला गया। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन उस टाइम साइंटिस्ट ने किया था और कुछ इस तरह का सेटअप था और इसके आसपास यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लगा दिया गया था, सो दैट जहाँ जहाँ पर रे स्ट्राइक हो रही थी हम लोगों को उस रे के स्ट्राइक होने का पता चल रहा था। तो हम लोग एक बार इस सारे एक्सपेरिमेंट को स्टेटमेंट की तरह समझ लेते हैं। तो वहाँ पर के सारे साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, तो सारा ऑब्जर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने बस तीन ही तरह के ऑब्जर्वेशन को नोटिस किया, या तो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास कर जा रहे थे गोल्ड फॉइल से और वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे थे, वो जैसे आ रहे थे वो बिल्कुल इस तरह से पास हो जा रहे थे, ये इस तरह से कंटिन्यूअसली पास होते जा रहे थे। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो काफ़ी स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, मतलब कि आए और इस तरह से काफ़ी स्मॉल एंगल से डेविएट। देन उसके अलावा उसमें से भी कुछ ऐसे थे जो कि लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन को शो कर रहे थे, और वेरी फ्यू, दैट मीन्स कि 20,000 अल्फा पार्टिकल को अगर हम लोग पास करवाए हों एक गोल्ड फॉइल से तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल वापस से अपने पाथ को रिट्रेस कर गया, मतलब वो जिस पाथ पे गया था अगर ये सेंटर पे गया तो वो सेंटर से ही वापस आ गया। तो हमारे साइंटिस्ट बस यही तीन ऑब्जर्वेशन किए। तो अगर यहाँ पर साइंटिस्ट की बजाय आप लोग होते तो आप लोग भी यही सब सोचते जो हमारे उस टाइम के साइंटिस्ट ने सोचा था। तो हमारा फर्स्ट जो था कि जो हम लोगों का पार्टिकल स्ट्रेट चला गया उसका रीजन हमारे साइंटिस्ट ने दिया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, दिस प्रूव्स दैट द एटम मस्ट हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस। अगर आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हो और कंटिन्यूअसली तेज़ दौड़ते ही जा रहे हो दौड़ते ही जा रहे हो, आपके पास में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आया तो आप अपने स्पीड को कंटिन्यू रखोगे। तो इसी तरह से जो भी अल्फा के पार्टिकल्स थे वो भी अपने पाथ में कोई भी ऑब्स्टिकल ना आने के कारण वो जिस स्पीड से आ रहे थे उसी स्पीड से स्ट्रेट चले गए। तो इससे यही पता चलता है कि उसके पाथ में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आया, कोई भी हर्डल नहीं आया, जिसके कारण ये क्लियर हो गया कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस वो एम्प्टी है। और हम लोग जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल देखते हैं उसमें भी आप लोग नोटिस करते होंगे कि ये सारे स्पेस तो खाली ही होते हैं, क्योंकि सारा जो एटम का मास होता है वो यहाँ पर होता है, और जबकि ये सारे स्पेस तो एम्प्टी ही होते हैं। तो उस टाइम साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को प्रूव कर दिया कि एटम के मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी ही होते हैं। जो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि कुछ पार्टिकल अपने पाथ पे स्ट्रेट जाने की बजाय कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, तो उसका रीज़न ये था। यहाँ पर ये सेकंड और थर्ड पॉइंट थोड़ी सी उल्टी हो गई है, जहाँ पर सेकंड होनी चाहिए थे वहाँ पर थर्ड हो गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले स्लाइड पे जो पार्टिकल्स थे अल्फा के वो लार्ज एंगल या स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट जो हो रहे थे उसका आंसर मैं इस स्लाइड पे करने वाली हूँ। तो आंसर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं पढ़ देती हूँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले। यहाँ पर आप 3 कर लीजिएगा और यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, ये बस स्लाइड का जो टाइपिंग एरर होता है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कुड टेक प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ द क्लोज इनकाउंटर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद द सेंट्रल पॉजिटिव मास दैट इज द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो लार्ज एंगल या स्मॉल एंगल पे जो डिफ्लेक्शन हुआ उसका रीजन ये था
कि जो बीच में जो मास कंसंट्रेटेड था, जो बीच में मास था, वही उसका रीजन था डिफ्लेक्शन का। मैं काम करती हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं इन सारे पॉइंट्स को छोड़ते हुए आपको बस साइड से समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को भी देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का 4 यूनिट मास और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो कैरी करता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा मास होता है। जबकि अगर आपको कंपेयर करना हो कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, तो आप एक नॉर्मल हाइड्रोजन का एटम का जितना मास होता है उसका 4 गुना मास अल्फा के पार्टिकल्स का था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा मास अपने साथ कैरी करता है। और उसके अलावा उसका 2 यूनिट वो पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करता है। तो यहाँ पर जब कुछ पार्टिकल्स अप्रॉक्स 1 पार्टिकल इन 20,000 जब वापस मुड़ गया, एक पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, तो हमारे साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया और ऐसा कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर जो मास था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग तो एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस इम्पटी हो गया, दैट मीन्स एटम का जितना भी मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया। इसी के कारण जब अल्फा पार्टिकल इससे स्ट्राइक हुई, तो अल्फा पार्टिकल के 4 यूनिट मास होने के कारण भी ये वापस से अपने पाथ को रिट्रेस कर गई। इसका मतलब ये है कि अगर आप चल रहे हो और अचानक दीवार से टकरा जाते हो, तो आप वापस से गिर जाओगे क्योंकि दीवार का मास आपसे ज़्यादा है। या फिर अगर आप ट्रेन से भी टकरा जाते हो, तो आप ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन गिर जाएगी, गिरोगे तो आप ही, क्योंकि उस ट्रेन का मास काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यू। तो इसीलिए ऐसा ही हुआ अल्फा पार्टिकल के साथ भी। जो गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस था वो काफ़ी ज़्यादा मास कैरी कर रहा था, और गोल्ड फॉइल के मास के कंपेरिजन में अल्फा पार्टिकल का मास काफ़ी ज़्यादा कम था, जिसके कारण से जब अल्फा पार्टिकल सेंटर से टकराया तो वो अपने पास को रिट्रेस कर लिया। तो इसीलिए जितना भी एटम का मास होता है वो बीच में कंसंट्रेटेड होता है, और इस कंसंट्रेटेड मास को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, ये जो मास कंसंट्रेटेड होता है बीच में, उस पर पॉजिटिव चार्जिंग क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है कि जितने भी अल्फा के पार्टिकल्स थे वो जैसे जैसे क्लोज जा रहे थे सेंटर के, वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। दैट मीन्स कि अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो वो पॉजिटिव फील्ड लाइन में एंटर करने के बाद इन्फ्लुएंस तो होगा ही, तो इसी की वजह से वो जिस जैसे जैसे सेंटर के टुवर्ड्स क्लोज जा रहा था, तो उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो इंक्रीज करते जा रहा था, वो धीरे धीरे काफ़ी लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट करने लगा। तो इसी कारण से आप समझ सकते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। जैसे कि थॉमसन के अकॉर्डिंग सारा मास पूरे एटम में बिल्कुल स्प्रेड था, पर रदरफोर्ड ने ये प्रूव कर दिया कि सारा मास एटम का बीच में, दैट मीन्स सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, और उन्हीं इम्पटी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास नेग्लिजिबल होता है। अगर अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराते भी हैं तो वो अपने पाथ पे स्ट्रेट चले ही जाएंगे, क्योंकि उनका मास एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसी के साथ रदरफोर्ड ने एक और काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया कि उन्होंने एटम और न्यूक्लियस इन दोनों के डायमीटर को भी फाइंड आउट किया, और उन्होंने एटम के डायमीटर को 10^-8 सेंटीमीटर बताया और न्यूक्लियस के डायमीटर को 10^-30 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहते हो, एक एटम अपने न्यूक्लियस से 10^5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। तो एटम का क्या साइज होता है, क्या एक्चुअल साइज होता है, वो भी रदरफोर्ड ने हम लोगों को बताया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस अचीवमेंट था, और इस मॉडल को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी थे। हम लोग इस मॉडल को एक्सेप्ट कर सकते थे क्योंकि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहा था। तो इसी सारी चीज़ को मिलाकर रदरफोर्ड ने भी अपना एक मॉडल दिया था, जो कि हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर JR के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि JR गुरुकुला, JR बुक वर्ल्ड, JR एकेडमिक्स और JR ब्लॉग्स। ये सारे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे स्टूडेंट्स फ्रेंडली बनाए गए हैं, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी इंटरफेस का होता है। और आप JR गुरुकुल को तो जानते ही हैं, जहाँ पर आप अभी स्टडी कर रहे हो, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं,
और ये सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, दैट मीन्स आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है। और ये आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे नॉर्मल कंटेंट पे बनाए हुए होते हैं, ये सारे कंटेंट आप ही के डिमांड पे बनाए हुए होते हैं। जैसे कि मुझे किसी स्टूडेंट ने बोला कि वो पियर्सन के बुक को पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास टीचर नहीं है, जिसके कारण वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि आप पियर्सन के बुक को प्लीज़ एक सीरीज़ बनाएं और उसमें सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। तो जे आर गुरुकुला ऐसे ही बहुत सारे फैकल्टीज़ को लाया है, जैसे कि कंप्यूटर क्लास 9th हो, क्लास 10th हो या क्लास 11th हो, इन सारे क्लासेस के कंप्यूटर के आपको काफ़ी अच्छी फैकल्टी मिल जाएगी विद प्रैक्टिकल। आपको सारे कोर्स के या फिर जितने भी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है उन सभी चीज़ के प्रैक्टिकल भी करके दिखाई जाती है। उसके अलावा जे आर बुक वर्ल्ड्स जिसपे कि ऑडियो बुक्स अवेलेबल होते हैं, काफ़ी सारे ऑडियो बुक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि इंडियन एक्सेंट सीखना चाहते हैं तो जे आर बुक वर्ल्ड इंडियन एक्सेंट को प्रमोट करता है, तो आप चाहें तो एक बार इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर एक्सप्लोर करें। अगर आप इंडियन एक्सेंट पे कमांड करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पे कमांड करना चाहते हैं तो एक बार जे आर बुक वर्ल्ड को ज़रूर एक्सप्लोर करें। उसके अलावा हमारा थर्ड प्लेटफॉर्म है जे आर एकेडमिक्स, यहाँ पर आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स जैसे कि DPP नोट्स और जितने भी आपके स्टडी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि PDF, ये सारे फ्रीली अवेलेबल होते हैं। और इन सभी चीज़ों के अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं, वो सारे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं और सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को भी एक्सेस करें और सॉल्व करें, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके माइंड के लिए सही होगा और उतना ही ज़्यादा आपका हैबिट भी बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। देन आर लास्ट प्लेटफॉर्म इज़ जे आर ब्लॉग्स। दिस ब्लॉग इज़ स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु लव टू रीड आर्टिकल्स रिगार्डिंग टू डेवलप अ बिजनेस और एनी थिंग विच विल हेल्प अ स्टूडेंट इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर ओन करियर। तो ये भी ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगी कि आप एक बार इसको भी एक्सप्लोर ज़रूर करें। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो ट्यूटोरियल। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड आई विल कम अप विद अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।